hello everyone today in this video lecture first of all we will learn how we have to start ms word application then we will learn what are the components of ms word window so let's start firstly i will tell how we have to start ms word application firstly click on start button here we have to click on all programs then click on Microsoft Office. Then you have to click on Microsoft Office Word 2007. Let's see it again. Click on Start button, then click on all programs, then click on Microsoft Office, then click on Microsoft Office Word 2007. This is the first method to open the MS Word application. I will tell you now the second method to open MS Word application let's first close this again click on the start button here we have to type one command win word w i n win w o r d word win word is a command to uh, start the ms word application then now i am pressing enter key from the keyboard enter key from the keyboard see ms word application has been started in front of us Second thing we will discuss today: the components of this window. So the very first component of this window is the Office button. Click on this button. Many commands will be here: New, Open, Save, Save As, Print, Prepare, Send, Publish, Close. These are the commands on the Office button. As well, uh, Office button show the recent documents of the MS Word. व वर्कड जितने भी रिसेंट डॉक्यूमेंट हैं एमएस वर्ड के जिनपे हम काम कर चुके हैं उनकी लिस्ट भी हमें अवेलेबल होती है ऑफिस बटन पर सो द वेरी फर्स्ट कम्पोनेंट ऑफ एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट इज द ऑफिस बटन देन सेकेंड सेकेंड कंपोनेंट ऑफ एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट इज द क्विक एक्सेस टूल बार सी दिस इज द क्विक एक्सेस टूल बार बिल्कुल ऑफिस बटन के साथ ही जो टूल बार है दिस इज नोन एज अ क्विक एक्सेस टूल बार आप इसमें देखेंगे बाय डिफॉल्ट इस पर तीन कमांड्स आपको अवेलेबल होगी सेव अंडू एंड द रीडू आई रिपीट दिस तीन कमांड बाय डिफॉल्ट अवेलेबल होती है क्विक एक्सेस टूल बार पर फर्स्ट इज द सेव सेकंड इज अंडू एंड थर्ड इज द रीडू बट वी कैन कस्टमाइज आवर क्विक एक्सेस टूल बार ऑल्सो हम अपने एक्सेस टूल बार को क्या कर सकते हैं कस्टमाइज कर सकते हैं हाउ इस एरो पर आप क्लिक करेंगे जो भी कमांड्स जो भी कमांड्स हम फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं उन कमांड्स को हम अपने क्विक एक्सेस टूल बार पर अवेलेबल करवा सकते हैं जो भी आपको कमांड यहाँ पर अवेलेबल करवानी है उसे आप टिक कीजिए फॉर एग्जाम्पल न्यू कमांड मुझे यहाँ पे अवेलेबल करवानी है इसे हम करेंगे सेलेक्ट सेलेक्ट करते ही न्यू कमांड यहाँ पर अवेलेबल हो गई लेट्स इट अगेन सपोज ई कमांड हमें यहाँ पर अवेलेबल करवानी है इसे आप करें टिक और जैसे ही आप इसे चेक करेंगे वो कमांड यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी बट अगर आपको यहाँ पर कोई कमांड हाइड करवानी है क्योंकि एक्सेस टूल बार से फॉर एग्जाम्पल अंडू कमांड हमें यहाँ से हाइड करनी है रिमूव करनी है तो हम इसे कर देंगे अनटिक अनटिक करते ही जो हमारी अंडू कमांड है वो यहाँ से हाइड हो गई है सिमिलरली सपोज ई मेल कमांड हमें हाइड करनी है रिमूव करनी है इसे हम कर देंगे अनचेक कर देंगे सो बाई डिफॉल्ट क्विक एक्सेस टूल बार पर तीन कमांड अवेलेबल हो जाती है सेव अ रीडू एंड वी कैन कस्टमाइज आवर क्विक एक्सेस टूल बार अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट देन आफ्टर दैट ऑन राइट साइड दिस इज द टाइटल बार टाइटल बार बार जहाँ पर अवेलेबल रहता है एक तो प्रोग्राम का नेम जिस पे हम काम कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल हम काम कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर इसके साथ ही फाइल का नेम अभी हमने इस फाइल को सेव नहीं किया तो जैसे ही हमने फाइल को सेव कर देंगे वो नेम यहाँ पर अवेलेबल होने लगेगा फॉर एग्जाम्पल आई एम से ऑफिस बटन देन क्लिक सेव देवर नेम आई विल गिव हेयर सपोज आई एम गिविंग नेम फोन एफ ओ टी फोन And then save then see name of this file is font.docx and this is the application of microsoft word so this was the topic title bar